good smile. Mind is filled with smile and body is also filled with smile. Now, do you understand mind and body? Because we are towards soul journey. हम soul journey के तरफ हमारा पड़ाव आ रहा है. But soul is so beautiful कि हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. Mind and body को संभाल लिया तो soul अपने आप ही bloom हो जाता है. Body smile. Did you understand body smile concept? Yesterday we did body smile practice. Did you understand body smile? Yes? So, aisa body smile, chahe dance ho, ya yoga ho, ya exercise ho, jisme ekagrata aaje. Ekagrata, jisme mast ekdam ekagrata aaje. This is body smile. But at the same time, यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ. जब भी आप स्टार्ट करें कुछ भी बॉडी स्माइल या माइंड स्माइल, आपकी जर्नी लिप स्माइल से तो पक्का स्टार्ट होनी चाहिए. आज आपने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्माइल से स्टार्ट किया था. यस, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट विद स्माइल. माइंड स्माइल को समझते हैं. माइंड स्माइल क्या है? बॉडी स्माइल में तो आपने बॉडी के मूवमेंट्स किए और एकाग्रता आ गई, स्माइल भी आ गई. माइंड स्माइल मतलब बॉडी के मूवमेंट्स किए बिना स्माइल आ जाए. बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं जिसमें माइंड स्माइल अपने आप आ जाती है. पास्ट में से कोई ऐसा सीन याद आ जाए जो आपके साथ बहुत सुंदर घटना हो. अब यहाँ पे देखो, बॉडी डांस नहीं कर रही है. मैं आपको स्माइल के तरीके बता रही हूँ कैसे स्माइल आती है. कोई ऐसा सुंदर आपके वो दिन, सुंदर अभी भी सुंदर है, पर कुछ ना कुछ हर एक इंसान के पास्ट हिस्ट्री में हर बार दुख दुख नहीं, अच्छे से चीज़ें होती हैं. आपने वो अच्छा कुछ सोचा और स्माइल आ गई. देखो, बॉडी डांस किए बिना ही स्माइल. और एक और तरीका, माइंड स्माइल. हमें समझना है कि माइंड स्माइल और बॉडी स्माइल में क्या फर्क है. फिर उसके बाद, अगर आपके हाथ में, मैं एक सबके हाथ में सुंदर गुलाब का फूल पकड़ा दूं, इमेजिन मैं आपके सबके हाथ में सुंदर गुलाब का फूल पकड़ा दूं और आप सुन के एज दिस थंब, this comes as if rose, yes, and imagine this is rose and smell. Smile like the light and this is mind smile. Imagination bhi smile na sakti hai. Future mein ya koi cheez exist nahi hai. अगर आपको ये बोल दिया जाए लेडीज को, आई एम मिस यूनिवर्स, आ जाएगी स्माइल. आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम मिस यूनिवर्स. फिर माइंड स्माइल आएगी नहीं है? आएगी. यस, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे, क्योंकि हम बहुत क्लैरिटी के साथ मेडिटेशन में जा रहे हैं. डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेडिटेशन होता है, मैंने बताया, वो बहुत सुंदर होता है. लेकिन अब हम फुल पिक्चर से देख रहे हैं मेडिटेशन, फुल पिक्चर से देख रहे हैं ऊपर से. अब आप एकदम कैच कर सकते हैं अगर कोई डांस कर रहा है. बिकॉज हम लोग किस किस से बने हैं? सोल तो है ही, माइंड है, बॉडी है, और क्या है? सोल माइंड बॉडी. जब ये यूनिफाई होता है तो लाइफ आती है. फोर कॉम्पोनेंट्स, सोल, माइंड, बॉडी एंड लाइफ. तो अब इट मीन्स फोर कॉम्पोनेंट जब स्माइल चारों करेंगे तो
हमारा ग्रैंड परफेक्शन स्माइल का जो सेल्फ परफेक्शन है ये पूरा होगा और ये स्माइल मेडिटेशन का पहला पड़ाव है, दूसरा भी नहीं, पहला पड़ाव। ये पहला पड़ाव ही मास्टर कर जाए तो दूसरे पड़ाव में हम अपने आप ही वो फिर हमें धक्का दे देता है और हम चले जाते हैं, फिर हल्के होके इतना ऊपर उड़ने लगते हैं कि उसके साथ ऐसे सूरज के साथ ओरिजिन स्माइल के साथ हम मौज हो जाते हैं, पर हमें ये पहला पड़ाव पूरा करना है। सो स्माइल, माइंड स्माइल, बॉडी स्माइल एंड लाइफ स्माइल। तो अब जब आप देखते हैं, आप बहुत इजीली आप क्लासिफाई कर सकते हो, अगर कहीं मेडिटेशन सेंटर्स में बॉडी डांस हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, कैन यू रिकॉग्नाइज विच इज दिस काइंड ऑफ स्माइल? बॉडी स्माइल। और कहीं पर मंत्र का उच्चारण हो रहा है, मुद्रास हो रही है, आप जहाँ पर आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, आप इमेजिनेशन में हो, आप कोई अच्छा सोच रहे हो, या आप नेचर में हो, जब आप नेचर में जाते हो, सूरज देखते हो, चांद देखते हो, अच्छी ग्रास ग्रीनरी फूल पत्ते देखते हो, तो वो क्या है, आप एकदम, आपने डांस नहीं किया लेकिन आप जैसे ही आपने देखा, विच इज द स्माइल, माइंड स्माइल। डोंट कंफ्यूज, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल फोर वेरी करेक्ट वे, दिस इज कॉल्ड माइंड। सो वॉट एवर वी आर डूइंग इन दीज थ्री डेज, कैन यू एनालाइज, और आप इसको असाइन कर सकते हो कि ये जो पार्ट हमने किया है ये बॉडी स्माइल को बिलोंग करता है या माइंड स्माइल को बिलोंग करता है। व्हेन वी डू मंत्र चैंटिंग तो ये किसको बिलोंग करता है? दिस इज माइंड। तो हम किसको हार्मोनाइज कर रहे हैं? माइंड स्माइल एंड बॉडी स्माइल। सो जब माइंड सी माइंड व्हेन वी से अक्सर यही कहते हैं कि बॉडी फॉलोज द माइंड, अगर माइंड में हम स्माइल को मैक्सिमम जनरेट करना है हमको, हमको कोई मौका नहीं छोड़ना है जब हमें माइंड की स्माइल को एक्टिवेट करने का जब भी मौका मिले, चाहे वो नेचर के थ्रू हो, चाहे वो मुद्रा के थ्रू हो, चाहे वो मंत्र के थ्रू हो, कैसे भी करके, कहीं आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप एरोप्लेन में फ्लाई कर रहे हैं, आप कैसे भी कहीं पर भी जा रहे हैं, आपका कभी भी मौका 100% मिलेगा जहाँ पे माइंड स्माइल। एंड नाउ सी व्हेन यू आर अवेयर तो आप हर सुंदर सुंदर भावों को भूलते नहीं हैं। आपको पता है अगर आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना, इमेजिन गुलाब जामुन खाया, कौन सी स्माइल आई? वेरी गुड, यू नाउ यू कैन अंडरस्टैंड माइंड स्माइल। हम इसके बाद, बिकॉज ये फोर कॉम्पोनेंट्स बड़े ब्यूटीफुल हैं, जैसे बिकॉज आप, हमारी जर्नी बहुत सुंदर है, हम लोग बहुत कुछ, आप देखिए हम कितना मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक हमें डायरेक्शन मिल जाए तो फिर हमारी पूरी लाइफ मेडिटेशन हो जाती है। हर दिन, हर पल, हर चीज़ हमारे या तो माइंड को स्माइल दे रही है या बॉडी को स्माइल दे रही है, अगर हमें अवेयरनेस आ जाए। यहाँ तक कि आपने जो पोस्चर्स लिए हैं ये भी स्माइल दे रही है या नहीं दे रही है? अगर आप जैसे जिसको कमर में या नी में पेन है उनको हम नीचे बिठा दें तो क्या माइंड स्माइल आएगा? नहीं। तो कोई पोस्चर में उनको स्माइल आएगी। एंड व्हाट इज मुद्रा? व्हाट इज मुद्रा? पोस्चर। आई एम स्टैंडिंग, व्हाट इज दिस? पोस्चर। यू आर सिटिंग, व्हाट इज दिस? पोस्चर। And lip contracted and expanded, what is this? Posture. So, कोई posture भी हमको smile दे रहा है या नहीं दे रहा है? Every nanosecond you are aware कि मेरे अंदर smile का कितना भर रहे हैं हम लोग। अगर कोई चीज़ pain दे रही है, you are very alert कि मेरे को फटाफट कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी pain smile disturb ना। आज हम तो बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में पढ़ाई, एक मैंने बोला ना हेवनली वर्ल्ड की पढ़ाई करनी है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोल तक जाना है, सोल तक जाना है। ब्रीदिंग की भी अगर मैं बात करूँ, वेरी ब्यूटीफुल फिनोमेना ब्रीदिंग इज,
लाइक आपको ब्रीदिंग इज डायरेक्टली फ्रॉम हिम. ब्रीदिंग को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है ये भी. बिकॉज कुछ चीज़ें बड़ी नेचुरल हैं जिसको आप इंस्टेंट महसूस कर सकते हैं. एंड जीरो वर्ल्ड, सोल वर्ल्ड, सोल कैसा है, इस सब के लिए हमको इसको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है. बट बिफोर वी स्टार्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट, अभी हम क्या करना है, हमको क्या करना है अभी, चैंटिंग. ठीक है, वील डू चैंटिंग एंड महामृत्युंजय जाप का चैंटिंग करेंगे. एंड नाउ अगेन यू आर विद पर्पस. पहले तो स्टार्ट ही हमको स्माइल से करना है, बिकॉज चैंटिंग करते समय उस समय नेचुरली योर लिप्स आर पार्टिसिपेटिंग, तो उस समय आप स्माइल नहीं कर सकते हो. बट अपने आप को स्माइल मुद्रा में तो ला सकते हो, स्माइलिंग पोस्चर में ले आओ. एंड यू आर विद, एंड व्हेनेवर यू स्टार्ट, आई एम विद अ पर्पस, आई एम विद अ पर्पस, आई एम डूइंग दिस चैंटिंग विद अ पर्पस. व्हाट इज योर पर्पस देन? दैट आई शुड, दैट ट्रांस स्टेट, दैट मेडिटेटिव स्टेट, वो एकाग्रता वाली स्टेट. यस, विदाउट पर्पस डोंट डू एनीथिंग, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है. नाउ यू नो व्हाट इज माय स्माइल एंड व्हाट इज माय, सो टेक दिस मुद्रा. बिकॉज मुद्रा वर्ल्ड ये दो दिन बहुत ब्यूटिफुल सब्जेक्ट्स है, साउंड एंड मुद्रा बहुत ब्यूटिफुल सब्जेक्ट्स है. एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी डीपली, बिकॉज वी आर लर्निंग वेरी सिस्टमैटिकली, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी डीपली, देन मे बी नो टूल्स, यू विल नॉट रिक्वायर एनी टूल. सो प्रिपेयर योर सेल्फ, take this mudra, and today you will also come to know that this index finger is representing your mind. And hum apne isme bolte hain yam mudra. So is mudra ko aap leke, prepare yourself, take comfortable posture, and we do jap. And this Mahamrityunjay jap, again I want to tell you that इससे जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, दिस इज अगेन, ये जो साउंड है, दिस इज हीलिंग साउंड, दिस हैज पावर टू हील. मैंने ये बोला ना, या तो आप करेक्ट साउंड का उच्चारण करो, या तो भाव बताओ, भाव प्यार लव. तो जितने भी हमारे ऋषि मुनियों ने ये बनाया, ये बड़े बड़े हमारे संतों का ये निकला है, ये उनकी वाणी में आया है, क्योंकि उन्होंने ट्रांस, उन्होंने उस ब्लिस स्टेट को टच करके मर्ज हो गए, बहुत ही पावरफुल मंत्रास आए यहाँ पे. सो नाउ उनकी कॉन्शियसनेस का ये हमारा, हमारे लिए डिवाइन गिफ्ट है, अब हमें यूज को करना आना चाहिए. तो बहुत प्यार से और स्माइल से और करेक्ट वॉइस के साथ, एंड देयर इज अ गुड ऑडियो, उसके साथ मर्ज होके हम इसकी चैटिंग करें. Okay, so prepare yourself.